बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गालों में पड़ने वाले गड्ढों यानी डिम्पल्स के बारे में। आपने देखा होगा कि हंसते या मुस्कुराते समय कई लोगों के गालों पर गड्ढे यानी कि डिम्पल्स पड़ जाते हैं। डिम्पल्स सौभाग्य और सुंदरता की निशानी होते हैं। जिस किसी के गालों पर डिम्पल्स पड़ते हैं वो लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। अपने साथ साथ दूसरों के भाग्य के लिए भी शुभ होते हैं। दरअसल गालों के मांसपेशियों में विशेष प्रकार के आपसी उलझाव के कारण गालों में ये गड्ढे पड़ते हैं, और जब हम हंसते या मुस्कुराते हैं तो समय अथवा मनोदशाओं की स्थितियों के अनुसार विभिन्न मांसपेशियों के कार्यरत होने पर गाल के गड्ढों का आकार व स्वरूप बनता बिगड़ता घटता बढ़ता रहता है। गालों पर डिम्पल्स पड़ने से चेहरा और आकर्षक बन जाता है। ये लोग स्वभाव से सौम्य संवेदनशील होते हैं तथा कला के प्रति इनका रुझान होता है, झुकान होता है। ये कला प्रेमी होते हैं, साथ ही अध्ययनशील, विवेकी और उदार बना यानी कि दयालु होते हैं। कहते हैं जिनके गालों पर गड्ढे पड़ते हैं उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय होता है।